बाद में भी नहीं, आगे देखते हैं। तो आईसीआर को हम टाइम उसमें कैलकुलेट करते हैं, इसका क्यों निकालते हैं, पर्पस क्या निकालने का, हमें चेक करना हम कितने सेफ है, हम इंटरेस्ट पे करने के काबिल है या नहीं है। तो आईसीआर एक तरीके का अम्ब्रेला की भूमिका अदा करता है। ये अम्ब्रेला के माध्यम से, अम्ब्रेला की हेल्प से इंटरेस्ट को कवर करता है। तो कहता है मैं कवर करूंगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट को। कहता है जब कमाएंगे तभी हम ब्याज पे कर पाएंगे, जब कमाएंगे नहीं तो इंटरेस्ट कैसे पे कर पाएंगे। तो क्या कमाया हमने, तो क्या कमाया का मतलब कितना अर्न किया, मतलब हमने उसको बोलते थे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस बात को याद रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है बच्चे यहां से क्वेश्चन। तो पीबीआईटी, ये पीबीआईटी होता है सर, ये पीबीआईटी होता है। तो पीबीआईटी जब कमाएंगे, ये एक तरीके का अम्ब्रेला है, पीबीआईटी एक तरीके का अम्ब्रेला है। उस अम्ब्रेला की हेल्प से हम अपने इंटरेस्ट को पे करके चलते हैं। तो पीबीआईटी जस्ट लाइक अम्ब्रेला, उसकी अम्ब्रेला से हम अपने इंटरेस्ट को कवर करके चलते। लेकिन प्रॉब्लम आती है कई बार क्वेश्चन में आपको पीबीआईटी गिवन नहीं होगा, हम क्या करेंगे, हमें पीबीआईटी पता ही नहीं है मान लो क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे हम लोग, हमें सर क्या पता है, मैंने कहा मुझे पीएटी पता है, ठीक है पीएटी में मैं ऐड कर दूंगा इंटरेस्ट और ऐड कर दूंगा टैक्स का अमाउंट, तो सीधा सीधा मेरा पीबीआईटी आ जाएगा। इसको लिख लीजिएगा एक बार आप लोग, इसके बड़े सारे क्वेश्चन करवाऊंगा अभी आज, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में कई बार आता है ये वाला टॉपिक। बच्चे हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ जी सर, हाँ जी, पूरी सीरीज से क्वेश्चन है, 61, 62, 63, ये पांचों क्वेश्चन देखने हैं। इसमें दो क्वेश्चन थोड़े टेक्निकल है, वो मुझे करवाने की जरूरत पड़ेगी, बाकी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे खुद अपने आप। चले बच्चे आगे, यहां तक हो चुका आप लोगों का, यस सर। अब चलते हैं इन क्वेश्चन को समझते हैं, जो क्वेश्चन आपको जहां दिक्कत आएगी हम बात करेंगे आपसे। हम पहला क्वेश्चन आपको पता है सर, पीबीआईटी मुझे पता है, इंटरेस्ट मुझे पता है, छोड़ दो अपने आप कर लो, 61 क्वेश्चन आपसे अपने आप हो जाएगा, वो मैं नहीं करवा रहा हूं। क्वेश्चन 62 कहता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता है, ठीक है इसको हम करेंगे, 62 करेंगे, आगे के चार क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन 62 सर, मुझे क्वेश्चन में क्या पता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, बात करते हैं आपसे, समझना मेरी बात को। पर जब भी क्वेश्चन बोलता है आफ्टर टैक्स, उसका कहने का मतलब होता है, वो कहना क्या चाहता है आपको, वो कहना चाहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट, इसका मीनिंग ये होता है। जब वो खाली बोलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट होता है। ऐसा क्यों होता है आपको बताऊंगा, अभी बाद में बताऊंगा आपको ऐसा क्यों होता है। तो हमें क्वेश्चन में पता है पीएटी, सर पीएटी कितना है जी, 1,70,000 रुपए का पता हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद टैक्स पता है क्वेश्चन में, अच्छी बात है, क्वेश्चन में टैक्स पता है 30,000 रुपए का, और इंटरेस्ट पता है लॉन्ग टर्म डेट पे, इंटरेस्ट सर कितना, इंटरेस्ट से चेक करो इंटरेस्ट कितना है, सिर्फ 50,000 रुपए का इंटरेस्ट है। हमें आईसीआर निकालना, आईसीआर सॉल्व करो जी, सॉल्व करो, देखते कैसे सॉल्व करेंगे, देखते क्या करना पड़ेगा। सर आईसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताओ आईसीआर का, आईसीआर इज इक्वल टू, बोलो पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ऑन पीबीआईटी लॉन्ग अपॉन टर्म डेट। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इंटरेस्ट आ गया सर, ठीक है जी। सर पीबीआईटी नहीं पता हम लोगों को, पीबीआईटी निकालना है पहले हम लोगों ने, और निकालेंगे ये तो क्वेश्चन में आपको वैल्यू सीधा सीधा पता है तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अभी जब क्वेश्चन आएंगे वैल्यू पता ही नहीं होगी, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने आप, समझेंगे उसको भी देखेंगे अभी। सर पीबीआईटी सर जी इंटरेस्ट है 30,50,000 रुपए का, कोई बात नहीं बाद में लिख देंगे, और टैक्स है सर 30,000 रुपए का। बच्चे पीबीआईटी कितना आ गया सर, 850 है। पीबीआईटी कितना आ गया जी, 2 लाख, हाँ 250 आ गए, फुट कर दो फॉर्मूले में जी, फॉर्मूले में फुट कर दो सर, पीबीआईटी है जी, पीबीआईटी कितना है 250 अपॉन इंटरेस्ट, कितना चेक करो इंटरेस्ट कितना है जी, 50,000 रुपए का इंटरेस्ट है। कितने 50,000 टाइम्स आ गए बच्चे, फाइव टाइम्स। फाइव टाइम्स,
चलो बहुत बढ़िया, सॉल्व करो, आप अपने आप करो क्वेश्चन नंबर 65, अपने आप करो। 63 और 64 मुझे करवाने, वो आपसे नहीं होगा। 63 मैं करवा दूं, 64 अपने आप खुद करना। आप अपने आप पहले 65 क्वेश्चन करो, 65 ट्राई करो, नहीं आएगा मैं करवाऊंगा। अपने आप स्टार्ट क्वेश्चन 65, कोई डाउट हो मुझे बताना, मैं खाली फॉर्मूला बताऊंगा आपको। चलो आईसीएल का फॉर्मूला क्या होता है, करो सॉल्व जी, आप एक बार सॉल्व करो। कोई डाउट हो बताना मुझे, सॉल्व करो। आपको क्वेश्चन में पीएटी पता है बच्चे, पीएटी कितना चेक करो, पीएटी कितना है? 75,000। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका आफ्टर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट होता है, बताऊंगा ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये बात का लॉजिक दूंगा आपको, ऐसा क्यों होता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मैं आफ्टर टैक्स को आफ्टर इंटरेस्ट क्यों मान रहा हूँ, उसका भी लॉजिक दूंगा, क्यों ऐसा होता क्यों है, का लॉजिक होता है। एक आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये टैक्स डिडक्टेबल आइटम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। चलो पढ़ो एक बार, आंसर निकालते एक बार। सर हमें पीएटी हमें चाहिए, पीएटी ठीक है सर, पीबीआईटी का फॉर्मूला बोलो क्या लिखूं, क्या प्लस करूं, पीएटी प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स। इंटरेस्ट तो पता ही नहीं है, और इंटरेस्ट निकालते हो, इंटरेस्ट निकालते हैं पहले, इंटरेस्ट निकालेंगे सर। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, सर बोरोइंग क्या कहें, बोरोइंग दो दो बोरोइंग दिख रही है मुझे, तो इंटरेस्ट किस चीज पर निकालेंगे सर, एक तो निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर, और प्लस क्या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म करो जी, सॉल्व करो जी, कितना आ रहा है मुझे बताओ, सॉल्व करो, इंटरेस्ट कितना आ गया जी, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, सर डिवेंचर कितने गया है, और सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमें पता है क्वेश्चन में कितना अमाउंट है, 5,000 रुपए का है, टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, निकालो टोटल इंटरेस्ट निकालो, कितना आ गया बताओ मुझे, इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चे, 10,000 आ गया जी, पुट करेंगे फॉर्मूले में, चलो आ जाओ ऊपर आ जाओ। सर पीएटी हमें पता जी, पीएटी पता बिल्कुल पता, पीएटी कितना है 75,000, सर हमें इंटरेस्ट भी पता है, इंटरेस्ट है जी हमारा 10,000, और टैक्स कितना, टैक्स कितना जी बताओ, 9,000 रुपए का टैक्स है जी, 9,000 प्लस करो एड ऑन करो कितना आ गया, 94K आ गया जी, 94,000 आ गया जी, पीबीआईटी 94,000 आ गया। आज मंजिल पे आज हमारी मंजिल क्या, हमें क्या निकालना है जी, हमसे क्या मांग रहा है क्वेश्चन, लिख लिख लो पहले, लिख लो एक बार, लिख लो को मन में क्वेश्चन हो कैन आस्क, चलेंगे आगे आप उसके बनेंगे हम लोग। हाँ जी सर क्या बोलेंगे हम, हमें निकालना है आईसीआर, ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेले ने कवर करना इंटरेस्ट को, अम्ब्रेले की वैल्यू 94,000, जिसको कवर करना है वो 10,000 रुपए, चलिए कितना आ गया, 9.4 times। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, पहले मैं आपको लॉजिक देता हूं क्या, जो मैं बता रहा हूं जी पीएटी को मैं बार बार पीएटी आफ्टर इंटरेस्ट क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा क्यों बोलता हूं बच्चे, आपके बिजनेस स्टडीज में कई बार क्वेश्चन आता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है बच्चे, वहां पे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के अंदर देख के चलिएगा, जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है होता है क्या, ध्यान से देखो, जब कंपनी पैसा कमाती है, कंपनी पैसा कैसे कमाती है, देखो पैसा ऐसे कमाती है, सबसे पहले पीबीआईटी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले हम इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, तो माइनस इंटरेस्ट,
क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स डिडक्टेबल आइटम होता है, टैक्स डिडक्टेबल आइटम होता है, इस बात को याद रखना। तो पीबीआईटी मैंने पहले भी लिखवा चुका हूं आपको, एक बार लिखवाया था मैंने, माइनस इंटरेस्ट तो सिर्फ पीबीटी होता है, फिर माइनस टैक्स होता है बच्चे, तो फिर पीएटी आता है। जब पीएटी का मतलब ही क्या हो गया, इंटरेस्ट पहले माइनस हो चुका होगा, मतलब पीएटी का मीनिंग ही क्या हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट, बिकॉज ये सीक्वेंस होता है पूरे का पूरा, पहले इंटरेस्ट माइनस होता है क्योंकि इंटरेस्ट टेक्निकल आइटम है, फिर पीबीटी आता है, फिर माइनस टैक्स आता है, फिर पीएटी। इस बात को लिख लीजिएगा, या आपके बिजनेस स्टडी में भी काम आ सकती है बच्चे कहीं जगह, वो कहेगा बताओ जी पीएटी कितना आ रहा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, सीक्वेंस पता होना चाहिए आपको। कई जगह बुक में इसको ईबीआईटी भी लिखते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, ईबीआईटी। फिर पीएटी आता है, पीएटी के बाद कंपनी क्या करे, कंपनी की मर्जी है जी, कंपनी क्या करेगी, या तो बच्चे क्या बांटेगी, डिविडेंड, या बच्चे कुछ पैसा संभाल के रख लेगी, उसको क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा इको में, पढ़ा आप लोगों ने रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रॉफिट, आपने अगर इनकम मेथड पढ़ा हो इको के अंदर तो देखा होगा वहां इनकम मेथड में प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट होते हैं, एक डिविडेंड होता है, एक रिटेन्ड अर्निंग्स को बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और थर्ड आता था गवर्नमेंट जो ले आती थी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स सीडीटी, ये आपके तीनों कंपोनेंट वहां निकलते थे, क्या नाम है, इकोनॉमिक्स के अंदर निकलते तीनों के तीनों कंपोनेंट, जो प्रॉफिट कमाया कुछ लोग डिविडेंड ले गए, कंपनी क्या नाम है जो पैसा संभाल के रखते फ्यूचर के रिटेन्ड अर्निंग, और जो पैसा गवर्नमेंट ले जाएगी कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ओके, तो सीक्वेंस याद रख लेना, पूरे का पूरा काम आता है कई बार, ये कौन से बेसिकली बीएसटी में काम आएगा आपके, और जो नीचे की बातें बताइए आपकी इकोनॉमिक्स की बातें तीनों जो आती है इनकम मेथड के अंदर। चलो जी, यहां तक कोई डाउट किसी को इस टॉपिक के अंदर जो भी कराया मैंने आज के लेक्चर में? नो सर। अब चलेंगे, अब करना बच्चे क्वेश्चन नंबर 62, ध्यान से सीखना बच्चे क्वेश्चन, बिकॉज जो वर्किंग सीखोगे ये वर्किंग आपकी बच्चे काम आएगी। एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी, वहां काम आएगी। आप समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, अभी तक हमें सब कुछ टैक्स का अमाउंट पता था, टैक्स का अमाउंट भी नहीं पता तो कैसे निकालना वो देखने वाली बात। आप समझते क्या कहता है, क्वेश्चन 62 करेंगे पहले, आप समझेंगे सर क्या कह रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना, ठीक है, ठीक है, आईसीआर निकालनी, सॉरी सर, हाँ आईसीआर निकालना, ठीक है। सर हमें क्वेश्चन में क्या पता पड़ो जी, हमें क्या पता है सबसे पहले, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर आफ्टर टैक्स का मतलब आफ्टर इंटरेस्ट हमको पता है सर, कितना जी, कितना जी, 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपीज है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सर 6% डिवेंचर है जी, 20 लाख रुपए के, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम लोग। और सर टैक्स रेट पता है, टैक्स रेट पता है जी, टैक्स रेट कितने परसेंट है जी, 30%। ध्यान से समझना बच्चे, वर्किंग काम आएगी ये, आगे बहुत जगह काम आने, इस तरह की वर्किंग जो सिखाने जा रहा हूँ अभी आप लोगों को मैं, समझते मेरी बात। सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लो, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला जी, फॉर्मूला क्या हमारा आईसीआर का फॉर्मूला क्या बताओ, बोलो जी, पीबी आईटी अपॉन इंटरेस्ट, ऑन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। फॉर्मूला लिखते नंबर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों को। अब आगे चलो सर, आगे चलेंगे, इसके बाद क्या कहते हैं सर, सर हमें पता है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट निकालो पहले, इंटरेस्ट निकालो जो चाहिए हमें, निकालो जी इंटरेस्ट कितना जी, 20 लाख का 6% कितना आ गया सर, सॉल्व करो जी, सॉल्व करो, 1,20,000 आ गया। अब मुझे निकालना टैक्स निकालना है और पीबीटी, पहले पीबीटी निकालते हैं, पहले बाद में पीबीआईटी निकाल लेंगे, पहले पीबीटी निकालते हैं, समझते मेरी बात को, ध्यान से देखो। आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता 7 लाख रुपए और टैक्स का रेट है 30%, एक ध्यान से बात सुनना, ध्यान से मेरी बात समझना। वैसे मैंने आपको चीज लिखवाई, ध्यान से बात देखिए, मैंने आपको चीज बताई, मैंने आपको भी एक, मैंने कहा जी पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, पीबीटी माइनर टैक्स, ये लिखवाया मैंने आपको अभी, लिखवाया आपको क्वेश्चन में क्या पता है, इन पांचों में से क्या पता है क्वेश्चन में आपको, मुझे बताओ क्या क्या पता आपको, मुझे बताओ, इंटरेस्ट और पीएटी, वैल्यू पुट, इंटरेस्ट कितना जी, 120 वैल्यू पुट कर दो, हम रिवर्स जाएंगे अभी, हम रिवर्स जाएंगे हम, सर जी पीएटी कितना जी, पीएटी कितना बताओ,
चेक करो 7 लाख कितना बचे सर जी, पीएटी है 7 लाख रुपए, बहुत बढ़िया। ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं आप लोगों से, ये एग्रेस वर्किंग आपकी बीएससी में भी काम आती है, मैं आपको आसान तरीका भी दे दूंगा बाद में, सुनो मेरी बात क्या करना है आप लोगों ने। बच्चे टैक्स का परसेंटेज क्या मुझे बताओ, टैक्स का परसेंटेज क्या है? 30%। तो सर ये कितना परसेंट हुआ फिर, तो पीएटी कितना परसेंट हुआ? 70। और ये कितना हुआ फिर, इसका मतलब पूरे का पूरा 100 हुआ? 100। अब ध्यान से बात सुनेंगे, आप उसको लेट करके भी सिखा दूंगा, लेट टैक्स करके भी सिखा दूंगा। पहले यहां देखो, इधर आओ, टैक्स निकालते, टैक्स निकाल, टैक्स ऐसे निकलेगा, ध्यान से बात समझना बच्चे, पहले टैक्स सीखते, टैक्स ऐसे निकालना। ये देखो बच्चे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, यूनिटरी मेथड जो मैंने आपको उसमें सिखाया था, क्या नाम है वो टॉपिक था, क्या नाम है, शेयर्स में। देखो बच्चे, मैंने कहा जी 70% पे वैल्यू कितनी है जी, बताओ कितनी है? 7 लाख। तो 30% पे कितनी होगी, क्या बोल दो, एक्स बोल दोगे? सॉल्व करना कितना है, सॉल्व करो, कितना आ रहा है मुझे बताओ, सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 70 पे 30%, अब एक्स पे कितनी होगी चेक करो, सॉल्व करो, टैक्स निकालेंगे यहां से हम सर, 7 लाख इंटू 30 इज इक्वल टू एक्स इंटू 70, सॉल्व करो जी, बताओ मुझे, कितना आ गया टैक्स, कितना आ गया सर बताओ सर? 3 लाख। 3 लाख आ गया, अभी देख बिल्कुल लिखते हैं सर हम, 7 लाख इंटू 30/70 इज इक्वल टू एक्स, एक्स आ गया 3 लाख रुपए, बहुत बढ़िया जी। चलो आपसे चलते ऊपर आ जाओ, अभी लेट करके भी सिखाऊ कैसे लेट करके करते हैं, वो भी आपको सिखा दूंगा लेट करके, क्या हो गया। हाँ जी आओ सर, याद 3 लाख लिख दो जी। एक बात सुनो मेरी बात, अब रिवर्स जाना, हमने रिवर्स जाना, उल्टा जाना, उल्टी गिनती करने हमने फॉलो करनी यहाँ पे। चलो रिवर्स, चलो बच्चे पीएटी 7 लाख है, टैक्स 3 लाख है, तो पहले कितना रहा होगा बताओ जी, पहले कितना रहा होगा? 10 लाख। 10 लाख रहा होगा, चलो जी। अब ये ऊपर कुछ रहा होगा कि 1,20 करके, 1,20 माइनस करके 10 लाख आ गए, तो ऊपर कितना रहा होगा? 11,20,000। बच्चे बात समझ आ गई आप सब लोगों को, ये वर्किंग समझ आ गई, ये वर्किंग लिखो, एक बार लिखो फटाफट, ये वर्किंग लिखो फटाफट। एक तरीका और दूंगा सॉल्व करने का, सिंपल तरीका भी दूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीका दूंगा, इसको लिख लो पहले आप लोग। तो यहां बच्चे मैंने निकलवाया टैक्स, यहां आपको निकलवाया टैक्स। सर अगर हमें सीधा पीबीटी निकालना था तो क्या करते हम, सुनो मेरी बात, अगर सर सीधा पीबीटी निकालना तो क्या करते हम लोग, हम ऐसे बोलते देखो, और हम सीधा पीबीटी निकालते हैं। अरे एक मिनट, बच्चे मान लो मुझे सीधा पीबीटी निकालना होता तो मैं क्या कहता बताओ मुझे, 70% क्या है, ये पीबीटी है, ये पीएटी है, सर मुझे पीबीटी चाहिए। बच्चे पीबीटी कितने परसेंट है चेक करके आओ, तो वो एक्स होगा, सॉल्व करो यहां पीबीटी कितना निकलता, सीधा सीधा पीबीटी निकलता, आपने सॉल्व करके देखो एक बार, बताओ कितना पीबीटी आता है, सॉल्व करते तो आप लोग सॉल्व करो कितना पीबीडी आता, सीधा सीधा सॉल्व करके देखो, सॉल्व करो कितना आता, सीधा सीधा पीबीडी आता यहां पे सीधा, कितना आता बताओ, चेक इट आउट, आ रहा है इतना, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, वेट करो आप लोगों की सर। 10 लाख। 10 लाख आ गया बच्चे, एक तरीका वो ये भी था सॉल्व करने का, दो तरीके मैंने बता दिया आपको, दो वे आ चुके, एक तो इससे कर लो या इससे कर लो, ये आप लोगों की मर्जी है। ये आ गया पीबीटी, अब मुझे चाहिए पीबीआईटी, अब देखो मुझे पीबीआईटी चाहिए, मुझे पीबीटी पता है तो क्या प्लस कर दूंगा खाली उसमें,
बचे कितना आ गया 11 पॉइंट। बात समझ आएगी आप लोगों को? यहां तक कोई डाउट हो मुझे बताना प्लीज। बच्चे यहां तक कोई डाउट है या क्लियर हो चुका है? क्लियर सर। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे और क्या बोल सकते थे, सिंपल अगर आप लेट करके लेना चाह रहे हो, आप कहते लेट, बच्चे पीबीटी को क्या मान लेते, तो टैक्स क्या होता 30% ऑफ एक्स, तो हम बोलते पीबीटी माइनस पीबीटी माइनस टैक्स इज इक्वल टू पीएटी। हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे चाहते तो, पीबीटी एक्स है 30/100x इक्वल टू पीएटी कितना 7 लाख। आप सॉल्व करते बच्चे एक्स आपका 10 लाख आया था और उस एक्स में आप क्या कर देते, प्लस बच्चे इंटरेस्ट करते थे, दोबारा से 11 लग भी चला था। ठीक है, तो जैसे मर्जी सॉल्व करो, ये आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है। अब सॉल्व आईसीआर निकालो कितना आ रहा है, मुझे बताओ आईसीआर निकालो कितना आ रहा है, पुट करो फॉर्मूले में, बोलो आईसीआर का फॉर्मूला लगाओ जी। पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट आ गया बच्चे पीबीआईटी की वैल्यू है सर 11,20,000 रुपए, इंटरेस्ट 1,20,000, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना प्लीज, सॉल्व करो कितना आ रहा है जी। सॉल्व करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है सर, 9.3 9.33 जो भी आया कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 64, ऐसा ही क्वेश्चन है, खुद वर्किंग परफॉर्म करो क्वेश्चन 64 करो। मेरा आईसीआर पूरा खत्म हो चुका है, क्वेश्चन 64 करो अपने आप। सॉल्व करो बच्चे क्या आंसर है मुझे बताओ फटाफट, डू इट फास्ट। बच्चे इंटरेस्ट कितना आ रहा है बताओ इसमें, टोटल इंटरेस्ट कितना है सर? 27,000। और देखते हैं कितना आ रहा है बच्चे, चेक इट आउट, चेक करते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया ये हमारे पास 15% डिबेंचर है 1,00,000 के, तो 1,00,000 का 15% प्लस 1,00,000 का 12%, 15 + 12 = 27 आ गया, बहुत बढ़िया। हमें निकालना पीबीआईटी, सॉल्व करो पीबीआईटी कितना है बताओ जी मुझे,
पीबीडी को क्या मान लो एक्स, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे पीबीडी को एक्स मान है। टैक्स कितना है जी, टैक्स कितना है 40%, तो टैक्स हो गया 40% ऑफ एक्स। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पीबीटी माइनस इंटरेस्ट सॉरी माइनस टैक्स, पीबीटी माइनस टैक्स, सॉल्व करो जी, चेक करो क्वेश्चन है, पीबीटी कितना गिवन है आपको। करेंगे वैल्यू आउटपुट करते हैं, सॉल्व करो, एक्स माइनस सॉल्व करो जी, पीबीटी निकालो पहले आप। सर 2 लाख, 2 लाख आ गया। 120 into 100 over 60 क्या गया बच्चे, 2 लाख आ गया। ठीक है, 2 लाख क्या आ गया हमारा पीबीटी, हमें क्या चाहिए पीबीआईटी। चलो पीबीआईटी और पीछे चलेंगे, यहां तक कर लो पहले, पीबीआईटी चाहिए हमें। कॉल करो जी, 2 लाख प्लस 27,000 जी, 2 लाख 27,000 पुट कर दो फॉर्मूले में, पुट कर दो फॉर्मूले में, आईसीआर लगाओ जी, बताओ कितना आ रहा है मुझे, वेट करो। Take your time. So 8.4 times. Solve करेंगे. 8.4 आ रहा है बच्चे? Yes, sir. तो ICR खत्म हो चुका है. Calculation देखना कैसे calculation करनी है, ध्यान से देख के चलना चीज को. चलो आगे चलते हैं.